दोस्तों, जब भी हम कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। हम एक वेबसाइट को आसानी से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं? तो बेसिकली आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की और क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत से टॉपिक एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो आज मैं आपसे बेसिकली बात करने वाला हूँ वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट के बारे में कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना पड़ता है या फिर हमें सीखनी पड़ती हैं। तो देखते रहिए CS क्लास। दोस्तों, वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को पूरा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिज़ाइन करते हैं। एक तो होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड और एक होता है वेबसाइट का बैक एंड। फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसको हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, और जो वेबसाइट का बैक एंड होता है उसको हम नॉर्मली अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते। वेबसाइट के फ्रंट एंड को जब हम बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं, और वेबसाइट के बैक एंड को जब हम बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग के बारे में कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि वेब डिज़ाइनिंग किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है जो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नॉर्मली देखते हैं जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। और जब हम वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए हम बेसिकली स्केच, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी भी प्रकार की कोडिंग की बात करें तो कोडिंग के लिए हम HTML और CSS लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो भी किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने में यूज़ किए जाती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें वेबसाइट के बैक एंड के बारे में या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो वेब डेवलपमेंट हमारा वेब डिज़ाइनिंग से डिफरेंट होता है। इसके अंदर ग्राफिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो वेबसाइट की वर्किंग होती है उसको हम प्रोग्राम करते हैं। अगर हम की सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिकली किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कोडिंग लिखने के लिए हम किसी भी प्रकार की IDE का यूज़ करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो HTML और CSS के साथ साथ हम JavaScript, PHP, Python जैसी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। और साथ में हम अगर डाटाबेस भी बनाना चाहते हैं तो उस डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी वेबसाइट के बैकएंड में ही की जाती है। अब बात ये आती है कि क्या हम वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम कोई भी नॉर्मली अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम कोई वेब डिज़ाइनिंग की जॉब करते हैं तो उसके लिए भी हमें नॉर्मल 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है किसी भी वेब डिज़ाइनिंग के ही फील्ड के अंदर, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, अडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, स्केच है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमें कम से कम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम वेब डिज़ाइन के साथ साथ अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हमें HTML, CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ हमें JavaScript, Python, PHP इन जैसी लैंग्वेज का भी यूज़ आना चाहिए। अगर हम दोनों काम एक साथ करते हैं तो हमारा फोकस दोनों साइड नहीं रह सकता है, इसलिए हमें किसी एक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट एक साथ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वेबसाइट बनाने का प्रोसेस में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।